ओके, तो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या पूछा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी जो भी नंबर्स गिवन है वो क्वेश्चन में बोल दिया है कि ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें उसका रीज़न लिखना है कि क्या रीज़न है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो देखिए, कोई भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो सकते, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब नहीं होते जब उसके यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आए, उसके अलावा कोई भी नंबर होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ओके, और दूसरा कि जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो नंबर ऑफ जीरो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए, यानी 2 नंबर ऑफ जीरो चले गए, 4 नंबर ऑफ जीरो चले गए, 6 नंबर ऑफ जीरो चले गए। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो ऑड नहीं होना चाहिए। ओके, इवन जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट ऑड जीरो है तो ऑब्वियसली 100% वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। ओके, तो यही तो रीजन अपने को लिखना है ना। तो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मे कंटेन, मे एंड लिखते हैं बराबर, जो उसका एंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो एंडिंग में, मे एंड विद नंबर्स, एंड विद नंबर्स सच एज, कौन से नंबर से एंड हो सकता है, 0 से एंड हो सकता है, यस 1 से एंड हो सकता है, 2 और 3 से एंड नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी पीछे 2 और 3 नहीं आते, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 भी नहीं आते, ओके एंड 9, ठीक है। ये एक चीज़ है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जो यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो होता है ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो गए, है ना। या तो आप ऐसा याद रखो कि 2, 3, 7, 8 नहीं आते, 2, 3, 7, 8 नहीं आते तो बच्चे वो आ सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ओके, ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर कंटेनिंग जीरो एज यूनिट डिजिट, जीरो एट इट्स यूनिट्स प्लेस भी लिख सकते हो, जीरो एज यूनिट डिजिट शुड हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। ओके, क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो इवन होने चाहिए, ऑड नहीं चलेगा, अगर ऑड है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो रीज़न है ये हमने ऊपर ही लिख दिया है कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मे एंड विद नंबर्स, उसका एंडिंग कैसे होता है, सच एज नंबर्स सच एज 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, या तो एक और भी चीज़ है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसके जो जिसके जीरो एज अ यूनिट डिजिट होता है, उसके एंड में जो जीरो होता है, तो जीरो भी होना ऐसा कंपलसरी नहीं कि जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, जीरो होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, शुड हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, है ना, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए वन बाय वन इसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कि ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी वो है कि नहीं, वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं हो रही तो उसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, यही तो रीज़न है। तो देखो ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, है ना, 7 है, इसके अंदर नहीं है, देखो परफेक्ट स्क्वायर में ये इतने ही नंबर होते, 7 नहीं होता कभी भी। ओके, सो 1057 हैज़ 7 एट इट्स यूनिट, एट इट्स यूनिट प्लेस। ओके, सो 1057 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो मैं अभी पूरा नहीं लिखूंगा, बाकी का जो लिखने वाली चीज़ें वो आपको लिखनी है, मैं मेन चीज़ आपको बता दूंगा। इसमें क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 3, 23,453 हैज 3 एट इट्स यूनिट प्लेस, तो ये भी आ जाएगा, सो 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये आपको फिलअप कर देने का है ना। फिर देखो 7928, इसके पीछे क्या आ गया, देखो इसके पीछे 3 था, इसके पीछे 8 आ गया, है ना, 7928 हैज़ 8 भी नहीं आना चाहिए, 2, 3 आप याद रख लो, है ना,
क्या, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नहीं होने चाहिए नंबर, 2, 3, 7 और 8 नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ क्या होना चाहिए कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस ये नहीं होने चाहिए। इतना अगर है तो वो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके चलो, 8 आ गया यूनिट डिजिट पे एट इट्स यूनिट प्लेस, सो लिख देते हैं 7928 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके चलो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, सो 2 हैज 2 एट इट्स यूनिट प्लेस, सो 22222 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है तो ज़ीरो हो सकता है, बट ज़ीरो कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर कंटेन ज़ीरो एज यूनिट डिजिट, शुड हैव इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होने चाहिए, ऑड नहीं चलेगे। तो देखो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1, 2, 3 ज़ीरो है। ओके सो हम लिखेंगे 64,000 हैज 3 नंबर ऑफ ज़ीरोस, है ना, या तो हम लिखेंगे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस। ओके ऑड यहाँ पे पूरा लिखते हैं, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोस, सो 64,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है, सो 89722 हैज 2, फिर ये ऊपर से लिख देने का एट इट्स यूनिट प्लेस, सो 89722 यहाँ पे सो लिख देते हैं, सो 89722 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके यहाँ पे अगेन इसका रीजन क्या आएगा, देखिए 3 नंबर ऑफ जीरो है, सो 2,22,000 जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर हैज क्या आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा, हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो क्या नंबर है, 2,22,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके अब लास्ट है, यहाँ पे भी देखिए जीरो कैसा है, एक ही जीरो है वो भी ऑड आ जाएगा, है ना, सो 5,0,5,0,5,0 has odd number of zero, so 5,0,5,0,5,0 is not a perfect square। okay तो ये जो question था वो उसमें बोला था कि कौन से number perfect square नहीं है, obviously perfect square नहीं है, reason देना है, तो reason हमने main जो reason है वो ऊपर लिख दिया कि कोई भी perfect square number होता है उसका जो ending होता है उसमें कौन से digit आ सकते हैं, उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3 नहीं आएंगे, 4, 5, 6 आएंगे, 7, 8 नहीं आएंगे, 9 आएगा, है ना, यानी आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे, उसके अलावा बाकी कोई भी नंबर आ सकते हैं, बराबर, बट 0 आएगा तो 0 में क्या खास बात याद रखनी है कि अपने को 0 इवन नंबर में होने चाहिए, ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए, यानी एक 0 नहीं चलेगा, ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं चलेगा, इवन नंबर ऑफ 0 होने चाहिए, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0 ये चलेंगे। ओके तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके तो यहाँ पे बस हमने वन बाय वन देखिए, पीछे से देखा कि यूनिट डिजिट पे 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 0 ऑड 0 ओके नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वापस 3 0 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 0 अगेन ऑड 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था ये आपको समझ आ गया है। ओके